हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन ने आज बद्दी का एक दिवसीय दौरा किया। उद्योग मंत्री का बद्दी में पहुंचने पर दून विधायक राम कुमार चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मंत्री का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उद्योग मंत्री ने बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों व अधिकारियों के साथ किशनपुरा में लिमेरिट होटल में बैठक की। बैठक में पहुंचने पर इंडस्ट्री एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उद्योग मंत्री को टोपी और शॉल पहनाकर उनका स्वागत किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन शाह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार उद्योगपतियों के साथ है और उद्योगपतियों को आ रही समस्याओं के लिए जल्द से जल्द समाधान निकाले जाएंगे। जिन उद्योगपतियों को 118 की परमिशन या उससे संबंधित मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके समाधान के लिए भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर विचार किया जाएगा। बहुत सारी इनकी जो समस्याएं इनकी दिखते हैं उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है, चाहे वो 118 हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतें हो, तो हमने ऑन द बिहाफ ऑफ हिमाचल गवर्नमेंट हमने इनको इंश्योर किया है कि हम जो भी दिखते हैं समस्याएं उनका समाधान करेंगे। और जो हिमाचल सरकार का जो पैमाना है वो एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज़ कंसर्न, वो हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को जो है 70% को प्राथमिकता दी जाए। और हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो है निवेश आए, निवेश बढ़े, और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो एक इन्वेस्टमेंट ब्यूरो जो है बना रही है जिसमें एक लीगल अथॉरिटी बनाई जाएगी और जो भी समस्याएं हैं दिखते हैं और NOC का जो कलेक्शन की जिम्मेवारी होगी वो ब्यूरो की होगी, ताकि इंडस्ट्रीज को जो है वो ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज हिमाचल प्रदेश जो है वो 75,000 करोड़ के कर्ज के नीचे दबा हुआ है और लगभग 11,000 करोड़ की जो है कर्मचारियों की पुरानी देनदारी है। तो आज हमारे पास जो है रेवेन्यू नहीं है, हमारे पास पैसे की जो कमी है। हम चाहते हैं हिमाचल प्रदेश में जो नए उद्योग आए ताकि जो हमारे को रेवेन्यू भी आए, हमारे जो नौजवान बेरोज़गार है उनके जो रोज़गार के साधन हैं वो भी बढ़े हैं। और हम हिमाचल प्रदेश में लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि हम इंडस्ट्रियलिस्ट को आएंगे तो हमारे पास पावर की अवेलेबिलिटी तो है, 24 पावर की अवेलेबिलिटी है, मगर हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी कम है। और उद्योगपति को लैंड ढूंढने में 118 की क्लियरेंस करने में बहुत लंबा समय और बड़ी दिक्कतें आती है, तो हम एक लैंड बैंक इकट्ठा कर रहे हैं, उसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। बाकी हमारे पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में मेडिसिनल डिवाइस पार्क है, वो नालागढ़ में 350 करोड़ रुपये का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है जिसकी फर्स्ट फेज़ का जो काम है वो तेज़ी से चला हुआ है और सेकंड फेज़ का जो काम है वो भी हम अब शुरू करने जा रहे हैं। हमारा ऊना में बल्क ड्रग पार्क है, उसकी भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी जो एक कंपनी है उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई और जल्दी हमको जो है वो पैसा आएगा और हम बल्क ड्रग पार्क का जो है काम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट।